उदाराम नाम के अभ्यर्थी को पकड़ा है। चप्पल में मशीन लगाकर उदाराम लाया था। आरोपी ने कान में ऑपरेशन से ब्लूटूथ लगाया था। गंगाबल निकेतन परीक्षा केंद्र का यह पूरा मामला तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें लेवल वन की परीक्षा जारी है और द्वितीय पाली की परीक्षा जो है वो चल रही है। इस बीच एक बड़ी खबर, इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक शेखावत जुड़े हैं। अशोक बताइए क्या ताजा जानकारी। देखिए कमोदीन, अभी अभी जो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, नीमता थाना के गंगा बाल निकेतन में एक मुन्ना भाई को पकड़ा है, जिसमें बीकानेर का रहने वाला ये उदाराम है। चप्पल में ये मशीनें फिट करा के लाया था, कान का बाकायदा ऑपरेशन करा करके ब्लूटूथ फिट करा कर रखा था। पुलिस को जैसे ही सूचना लगी, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। एडिशनल SP रतनलाल भार्गव बाकायदा उससे पूछताछ कर रहे हैं। जो बीकानेर में जिस तरीके का रैकेट पकड़ में आया था, जिसमें चप्पल लगा करके कई वहां पे भी पकड़े गए हैं, वो संभवतया उन्हीं से ये जो अभ्यर्थी जुड़ा हुआ है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अभी तक पूरी चाक चौबंद तरीके से इस तरीके के मुन्ना भाइयों पर अंकुश लगाने में पूरा प्रयास कर रही है। जी बहुत शुक्रिया अशोक आपका जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर पुलिस ने हर तरह से जो कोशिशें जोर शात्राना तरीके से कोशिश की जा रही थी उसे नाकाम कर दिया है। और खबर अजमेर से, जहां रीट परीक्षा 2021